मेरी बहन की दोनों किडनी फेल हो गई हैं। जहाँ दवा नहीं काम करती वहाँ दुआ काम करती है। जब दवा नहीं काम करती है तो इंसान दुआ करता है। दुआ में तो वो है, भगवान पर भरोसा रखो तो मरे को भी जिंदा कर देते हैं। तो बस भरोसा है कि शायद उनके साथ कोई चमत्कार हो जाए। अभी तो कुछ नहीं है, जब मेरी बहन ठीक हो जाएगी तो हम तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि यहाँ यहाँ पर आने से काम बनते हैं। मेरा आने का नहीं होता, नहीं नहीं बिल्कुल आना नहीं चाहते हम। हमने कहा हमें नहीं जाना, लेकिन कि मतलब ये चीज़ों पे आपको हाँ नहीं बिलीव तो है, लेकिन हम नहीं आना चाहते क्योंकि प्रॉब्लम बहुत हो रही है, अप डाउन बहुत करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा मेरे साथ और हम नहीं आना चाहते, हम ही को आना पड़ रहा है। अब हम कहाँ से हैं? हम कानपुर से हैं। क्या नाम है आपका? आकांक्षा शर्मा। क्यों आए हैं आप बागेश्वर धाम? कब से आ रहे हैं? आ रहे हैं हम लोग, वही 2 महीने हो गए आते आते हैं। क्या प्रॉब्लम थी? मेरी बहन की दोनों किडनी फेल हो गई हैं। तो डॉक्टर को दिखा लिया है, जब दवा नहीं काम कर रही तो दुआ पर थोड़ा भरोसा कर रहे हैं। डॉक्टर ने रिस्पॉन्स दे दिया है कि कुछ नहीं हो सकता है और जब तक चल रही है तब तक चलाइए इनको। तो यहाँ पर आए थे, यहाँ आस्था है, विश्वास है कि शायद काम बन जाए। और एज जैसी एज नहीं है, दोनों किडनी अचानक से ख़राब हो गई, काम नहीं कर रही हैं। 26 शादीशुदा हैं, 2 बेटियाँ हैं। पता चला कि किडनी फेल हो गई? अभी वही पता चला था, जून को, 1 जून को। और 1 जून से बराबर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। PGI दिखाया, लखनऊ PGI और कानपुर में देसराज गुजर टॉप के डॉक्टर हैं, वहाँ पर भी दिखाया। तो उन लोगों ने ट्रांसप्लांट के लिए सजेशन किया, लेकिन उनकी कंडीशन बिगड़ती गई तो ट्रांसप्लांट तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ का देखा हम लोगों ने ऐड, यूट्यूब पर दिखा रहे थे, कैंसर के मरीज़ काफ़ी ठीक होके गए हैं। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में उम्मीद है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, गुरु जी की कृपा हो जाए कि वो अपने पैरों पर दोबारा से खड़ी हो जाए और किडनी काम करने लगे। हाँ, पिछले ही ट्यूसडे हुई थी। उन्होंने तो बोला था कि जाइए ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी तो कोई आराम नहीं है फिलहाल उनको। थोड़ा भी आराम नहीं? बिल्कुल भी आराम नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी आराम नहीं है। अभी आज और मिलना है, मेरा नंबर भी लगा हुआ है वहाँ पर। अच्छा। तो आज मिलेंगे तो पता चलेगा, देखो क्या बताते हैं, कैसा क्या है। नहीं तो आपको जैसे बिलीव है कि आप ठीक हो जाएगी? विश्वास किया जाए अगर तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं है डायलिसिस हो रही उनकी। कुछ इतने चमत्कार हो जाते हैं, जहाँ सबके हुए हैं वहाँ मेरा भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जब मेरे साथ ये चीज़ हो जाएगी तब हम लोग ज़्यादा भरोसा करेंगे। क्या क्या चमत्कार सुने हैं? मैं बहुत सारे सुने, कैंसर के मरीज़ आते हैं, हम लोग आ रहे थे भी ट्रैवलिंग करके, तब बीच में मिले कि मेरे कि मेरे कैंसर था और यहाँ पर आए, यहीं बांदा आंदा में सफ़र कर रहे थे ट्रेन से, तो बोल रहे थे कि मेरे ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पर आए सब ठीक हो गया मेरा। मेरे घर में ऐसा था, खाने को नहीं था, बिजनेस नहीं चलता था, वगैरह वगैरह सब। तो उनका सबका काम बना है यहाँ पर। ये भी सुना है स्पेशल है कि यहाँ पर इतना सब कुछ होता है, कोई निराश होके नहीं गया है आज तक। हाँ, तो ये काफ़ी लोगों से मिलते हैं तो वो भी कभी निगेटिव रिजल्ट नहीं मिला है। तो इसी उम्मीद से हम लोग भी आए हैं कि हमें भी पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए यहाँ से जाने के बाद। मेरा MA चल रहा है फाइनल। देखिए दो संभव नहीं है वो, फिर मतलब ऐसे कैसे? नहीं क्यों नहीं है, जहाँ दवा नहीं काम करती वहाँ दुआ काम करती है। जब दवा नहीं काम करती है तो इंसान दुआ करता है। दुआ में तो वो है, भगवान पर भरोसा रखो तो मरे को भी जिंदा कर देते हैं। तो बस भरोसा है कि शायद उनके साथ कोई चमत्कार हो जाए। मरे को जिंदा कैसे करोगे? अरे होता है ना कि इंसान कैसा भी हो ऐसी हालत पे आ जाता है कि डॉक्टर लोग मना कर देते हैं कि जाइए, लास्ट स्टेज है, इंसान तब भी खड़ा हो जाता है। ऐसे कंडीशन हुई है बहुत ही, डॉक्टर खुद बोलता है इनके साथ चमत्कार कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थे, वो इंसान ऐसी कंडीशन पे आ गया है। तो बस हम लोगों को भी वही उम्मीद है। हाँ, ये भी होता है कि जिसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है वो नहीं चल पाता है, लेकिन मेरी बहन 4 महीने से भी इसी का ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत ज़्यादा नाजुक कंडीशन है, बिल्कुल दुबली हो गई है, फिर भी उनका सब कुछ अच्छा जा रहा है। लेकिन बस यही है कि थोड़ा कृपा हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, अरे कृपा हो जाए तब तो अच्छी बात है, तभी तो यहाँ पर आ रहे हैं, इतना सफर कर रहे हैं। कितनी पेशी की बताई है? पेशी तो वो तो बताते हैं कि 21 पेशी करिए, 11 करिए, लेकिन पेशी पे किसी किसी का तो 1-2 बार में काम बन जाता है। इंसान आया 10 दिन में 15 दिन में काम बन गया, हम लोग बराबर आ रहे हैं, उम्मीद है कि मेरा काम बन जाए। हाँ हाँ नहीं नहीं
ये कह रहे हैं कि खाली हाथ आप नहीं जाएंगे। और ये हाँ, और ये भी हुआ है कि हम दो मंगलवार से यही सोच रहे हैं हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरी तैयारी बन जाती है। अच्छा, मेरा आने का नहीं होता, नहीं नहीं बिल्कुल आना नहीं चाहते हम, हमने कहा हमें नहीं जाना, लेकिन मतलब ये चीजों पे आपको हाँ नहीं बिलीव तो है, लेकिन हम नहीं आना चाहते क्योंकि प्रॉब्लम बहुत हो रही है, अप डाउन बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा मेरे साथ और हम नहीं आना चाहते, हम ही को आना पड़ रहा है और मेरा काम भी बन रहा है। मतलब जितनी बीच में भीड़ भीड़ रहती किसी का काम नहीं बनता, तो मेरी बात उन तक पहुंची जा रही, सबसे बड़ी बात तो ये। हम तो सोच रहे हैं कि मेरी मम्मी की बात हो जाए, ज्यादा सही है। अभी माइक से काम है गुरुजी की तरफ से कि कोई मतलब खाली हाथ नहीं जाएगा। जितने लोगों से यहाँ मिले, जितने लोगों से मिले, किसी के मुंह से निगेटिव रिजल्ट नहीं मिला है, बस ये आप मानिए। जिससे भी पूछते सब कहते मेरा काम बन गया है। हाँ, यहाँ का 100% रिजल्ट है, जो होता है वो बता देते हैं। मतलब ये नहीं है कि अब किसी का समय आ गया है तो कहते उसको भी आगे कर दें, जो होता है वो बता देते हैं। और जब बहुत लोगों से मिले जिससे पूछा वो यही कहते मेरा काम बन गया है, अब हमारा भी बन जाएगा। हम तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि मेरा तो ऐसा काम था, बस बन जाए, उम्मीद है कि मेरा काम बन जाए, विश्वास है, और विश्वास है तो सब कुछ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।